हेलो व्यूअर्स, नाना क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे होममेड काजल पाउडर, है ना। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये होममेड काजल पाउडर एकदम 100% नेचुरल है और केमिकल फ्री है, और इसे हम सिर्फ 5 मिनट्स में बना सकते हैं सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से, है ना। इसे बनाने के बाद हमें इसे रेफ्रिजरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हम इसे एक एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं, और इसकी एक्सपायरी काफ़ी लंबी होती है, यानी हम इसे 2 से 3 साल तक आराम से यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये काजल पाउडर बनाने के बाद हम इसे काजल बनाने के लिए, आईलाइनर, मस्कारा या आईब्रो जेल बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मस्टर्ड ऑयल, क्लेदिया, कॉटन फॉर कॉटन वीक एंड मैच बॉक्स। बस, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ये कॉटन लेंगे और उससे हम एक ये विक तैयार कर लेंगे, जिसे हम हिंदी में बाती कहते हैं। ये हमारी कॉटन विक तैयार हो गई है ना। अब हमें क्या करना है कि हमें ये तेल लेना है, दिए में तेल डालना है। उसके बाद हम ये इसके आसपास में 2 कटोरियाँ रखेंगे, और फिर उस कटोरी के ऊपर ये 1 कटोरी और रख देंगे। हमने दिया जला लिया है और हमें इस दिए को पूरी रात जलाकर रखना है ना। ये जब तक इसका तेल ख़त्म नहीं हो जाता, है ना। ये इसका तेल ख़त्म हो चुका है, पूरी रात हो चुकी है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें कितना हमारा काजल पाउडर तैयार हुआ है ना। वाओ, बहुत अच्छा, इसके अंदर काजल पाउडर अच्छा गहरा बनकर तैयार हो गया है ना। अब हमें क्या करना है कि हमें धीरे 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 इस तरह से इस पाउडर को कटोरी पे से अलग करना है ना। हमें इसे बहुत एहतियात से और धीरे धीरे करना है ना। ये हमारा पूरी तरह से काजल पाउडर निकल गया है। चलिए अब हम इसे दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, है ना। ये देखिए, ये हमारा काजल पाउडर बनकर तैयार हो गया है ना। अब हमें क्या करना है कि हम अब इस काजल पाउडर को एक अच्छे से कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये कंटेनर एयरटाइट हो, और ताकि हम इसे अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रख सकें, है ना। तो आप भी अपना होममेड पाउडर काजल बनाइए और अपने अनुभव अनाना क्रिएशंस के साथ शेयर कीजिए, है ना। एक बार फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।